नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ सात यानी सेवन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें निवेशकों का पैसा ऐसा फंसा है कि पैसा बना ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक तरीके से आप कह सकते हैं केवल सात स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, यानी स्टॉक मार्केट में ही पिछले 18 महीने तो मैं थोंक बजा के कह सकता हूं कि पैसा नहीं बना, यानी कि अगर 18 महीने में शेयर खरीदे तो नहीं बना, और बहुत सारे लोगों का तो 24 महीने में भी बना, यानी कि डेढ़ साल में तो अगर कहीं भी पैसा लगाए तो नहीं बना आपका। हाँ, अगर आपको भाई मेरे पास एक ऐसा शेयर है जो 20% ऊपर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप टोटल पोर्टफोलियो बताओ कि आपने स्टार्ट करा था डेढ़ साल पहले 1 लाख से और आज 1,10,000 है या फिर 90,000 है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पैसा किसी ने नहीं बनाया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो मार्केट में कोविड के बाद जो रिकवरी आई वो एक्सेप्शनल केस था और वो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यू हो गया। मार्केट जो निफ्टी का पीई अराउंड 20-25 पे था वो 40 तक गया और ये इतिहास बनाया। इससे पहले कभी निफ्टी का पीई 35 के ऊपर नहीं जाता था, उस समय 38-40 तक गया और फिर वो जो टाइम फ्रेम करेक्शन चली वो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट अभी, और अब निफ्टी का पीई 20 पे है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड लो में भी निफ्टी का पीई 20 नहीं था, उस समय भी 21 का था, और आज की रेट में निफ्टी का पीई 20 उससे भी नीचे आ गया होगा। मैंने 2 दिन पहले चेक करा था जब 17,150 पे करीब था निफ्टी, तो मतलब वैल्यूएशन वाइज अभी आपको और सस्ता मिल रहा है। तो मार्केट पूरी साइडवेज हुई है, स्टॉक्स में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हुई है। ऐसे में ये सात स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आज ज्यादा गिरे हैं तो मैंने इनको उठाया है। अब सवाल ये उठता है इनमें करे तो करे क्या। देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास A to Z कोई भी स्टॉक है उसके अपने फंडामेंटल्स अगर क्लियर हैं तो आप ओन करो, होल्ड करो। अगर फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें बेचो, कहीं और निवेश करो, बट मार्केट से जाना नहीं है। मार्केट से चले गए, लॉस बुक कर लिया, दैट मीन यू आर एन लूजर इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि ये मार्केट एक साइकिल है, यहाँ पे चढ़ते बाजार में आते हैं वो खराब इन्वेस्टर जो मार्केट को वीक बनाते हैं, खरीद खरीद के ओवरबॉट करवाते हैं और फिर मार्केट गिरती है, और जब गिरती है मार्केट तो वहां आता है एक स्ट्रेंथफुल इन्वेस्टर खरीदने गिरे हुए बाजार में। ये मेरी नहीं है, विजय केडिया साहब की कहानी है, उन्होंने साइकिल निकाली है, थ्योरी निकाली है। तो मेरे हिसाब से आप अगर बने रहोगे तो डेफिनेटली पैसा बनाओगे। अब अपने स्टॉक को कैसे चेक करें इसके ऊपर मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट का कोर्स निकाला, वो प्लीज एक बार आपको देखना चाहिए, और उसमें मैं एक और वीडियो डालूंगा कि हाउ टू पिक मल्टीबैगर स्टॉक्स, और मल्टीबैगर में पेनी स्टॉक्स नहीं, ऐसे स्टॉक। अभी आप एग्जाम्पल से समझते हैं, तो चलिए पहले स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। HDFC AMC आज एक इंटरनल इशू कर दिया है और सरकार ने कर दिया है। डेट म्यूचुअल फंड पे जो लोग पैसा लगाते थे अपने टैक्स को सेव करने के लिए, अब सरकार कह रही है हम आपसे टैक्स लेंगे। तो सरकार तो पता नहीं क्या क्या लेना चाहती है, अब सरकार बिना बात के टैक्स ही बढ़ाई जा रही है, उनकी कोई टैक्स की सीमा है ही नहीं इस समय तो ऐसा लग रहा है। तो ये एक वर्स्ट डिसीजन लगा मुझे तो, मतलब तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब इस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये एक नेगेटिव खबर थी इस कंपनी के लिए और सारी UTI AMC के लिए, सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, चाहे वो UTI AMC हो, HDFC AMC हो, नाम इंडिया हो, या फिर वो आपका आदित्य बिरला सनलाइफ AMC हो जो लिस्टेड PS है। तो ये नेगेटिव न्यूज थी, इसकी वजह से गिरा है। बाकी स्टॉक 52 वीक लोस पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 4,000-5,000 का हाई दिखा है, आई थिंक 4,200-4,800 के समथिंग का इसका 52 वीक ऑल टाइम हाई है, उसके सामने 1,600 पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली स्टॉक नो डाउट बहुत क्वालिटी स्टॉक है, चाहे इसका पी चेक करो, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय चेक करो, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो, या फिर आप इसके नंबर्स चेक करो, सब जगह अच्छा है। ग्रुप HDFC अपने आप में बड़ा ग्रुप है, बट स्टॉक करेक्ट हो रहा है क्योंकि इस समय वैल्यूएशन सस्ते चल रहे हैं। एक शेयर है मान के चलो कोई भी एक्स शेयर, उसका अर्निंग पर शेयर 10 का है, वो आज 10 के मल्टीपल्स पे तो वो 100 रुपए पे दिखेगा, बुल मार्केट आया तो उसके वैल्यूएशन बढ़ेंगे और वो 10 की जगह 30 के पीई पे आ जाएगा, पीई पे आ जाएगा प्राइस टू अर्निंग पे। अर्निंग पर शेयर अभी भी स्टिल 10 का है लेकिन बुल मार्केट है, वैल्यूएशन ज्यादा मिले तो वो 100 की जगह 300 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका 10 का मल्टीपल जो था वो अब 30 के रूप में बदल गया है। वहीं बियर मार्केट में क्या होता है, वो जो 10 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था वो 5 के मल्टीपल पे आ जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर स्टिल सेम 10 है लेकिन पी उसे 5 का मिल रहा है तो वो 50 पे ट्रेड करेगा। वहीं बुल मार्केट में 30 तक गया यानी 300। अब आप पे डिपेंड ये करता है कि आप उसको कब खरीदते हो, जब उसका पी 5 का था या जब उसका पी 30 का था। अब आपको इसी बेस पे मैं कुछ स्टॉक शेयर करूंगा एप्लीकेशन पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और आप भी चेक करते रहिए कोई भी स्टॉक जिसका अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू बढ़ रहा है लेकिन उसका प्राइस टू अर्निंग घट रहा है,
उसको खरीदना है, उसके प्राइस टू अर्निंग को चेक करो 5 साल के 10 साल के कि लोएस्ट लेवल क्या लगाया है स्टॉक ने और हाईएस्ट लेवल क्या लगाया है, तो आप मल्टीबैगर शेयर पिक करोगे। ये थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो हमारी एप्लीकेशन पे आंख गड़ाकर जमे रहे क्योंकि वहां वीडियो आने वाली है आपके लिए कल या परसों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टाटा स्टील देखिए 102 रुपए पे 105 पे ट्रेड कर रहा था, आज 102 पे आ गया है। स्टॉक की बात करें डेफिनेटली स्टील स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में तो टाटा स्टील ने पैसा बनाया ही नहीं है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने बनाया। बहुत सारे कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हो आप, टाटा स्टील बहुत अच्छा है ये वो, आप रिटर्न चेक करो, लॉन्ग टर्म में तो कभी पैसा नहीं बनाया टाटा स्टील ने, 10 साल में 100-200% बना रहा है तो क्या पैसा बनाया। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील पीयर कंपेयर करेंगे तो 900% के रिटर्न दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो डेफिनेटली टाटा स्टील प्रेफर्ड पे कभी होती नहीं है। बट टाटा ग्रुप है, सैल्यूट करता हूं, और नो डाउट तगड़ी कंपनी है बट पैसे नहीं बनाती है, तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ऐड करना ही नहीं है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वीक दिख रहा है, बट हाँ एक्जैक्टली 99-102 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यह रुक भी सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए किसी को ऐड करना है तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ ध्यान दें अगर आपको मेटल में स्टील में रहना है तो, ठीक है। थर्ड आईईएक्स, बड़ी करेक्शन हो गई, मतलब बिल्कुल अचानक हुई है करेक्शन, बिल्कुल जो चीज एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती थी। और केवल आईईएक्स नहीं, पावर से रिलेटेड 2 स्टॉक्स में आज गिरावट हुई है। गर्मियों वाले शेयर मौसम में बदलाव देख के बुरी तरह पिट रहे हैं। जो मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार गर्मी तोड़ फोड़ पड़ने वाली है, 16 मार्च से फुल कैपेसिटी पे अपने पावर प्लांट्स को रन करें जो भी कोल को इंपोर्ट करता है, और पावर ट्रेडिंग कंपनीज भी ऊपर भागी थी, वही मौसम के बदलते रूप को देखकर कंटिन्यू कर रही है, चाहे वो वोल्टास हो, चाहे वो आईईएक्स हो, चाहे वो टाटा पावर हो। टाटा पावर में भी आज करेक्शन हुई है, उसके पीछे का रीजन मुझे यही लगता है, बाकी कोई इंटरनल इशू नहीं है। और स्टॉक में जो ये करेक्शन है ये चार्ट्स पे ब्रेकडाउन दे चुकी है और बहुत सारे लोग अब इसे बेचेंगे, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। सेम आईएक्स सेम टाटा पावर, बट आईएक्स में मुझे स्टिल अभी थोड़ी सी पावर दिखती है क्योंकि एक तो मेरे फेवरेट एमआईटी ने खरीदा भाई रिसेंटली, तो मैं उसे भूलूंगा नहीं, और जब तक मेरे मंथ का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं बेचने के लिए भी नहीं करूंगा। और लास्ट मंथ का लो 132.50 का है, 142 पे हमारी खरीद है, एप्लीकेशन पे भी शेयर करा था, तो अभी होल्ड करना है। आरती इंडस्ट्रीज एक शानदार केमिकल कंपनी जो कंटिन्यू गिरते जा रही है, इसका सेम वही पी देखेंगे ना आप तो बियर मार्केट में जो ये पी चल रहा है वो इसका ऑलमोस्ट सेफ। मैं आपके साथ एग्जैक्ट शेयर करूं तो अभी एक्चुअली 30 के पी के समथिंग ट्रेड कर रहा है स्टॉक, अभी 28 के पी पे आ चुका है, 27.5 पे इनफैक्ट, और अराउंड मैं एग्जैक्ट इसका मैंने चेक करा नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो स्ट्रेच हो रही है तो बट कोई नहीं, जानकारी पूरी मिलेगी और अच्छी मिलेगी, वीडियो स्ट्रेच कर देते हैं आज, वैसे मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ। अगर मैं इसका नॉर्मली 5 साल का पीई देखूं तो कोविड के समय में स्टॉक ने 32 के पीई पे था और लगभग 30 के नीचे जाता नहीं है नॉर्मली, और हाई की बात करें तो 50। तो मैं इसका अर्निंग पर शेयर देख रहा हूं तो वो कंटिन्यू कोई दिक्कत में नहीं दिख रहा है। अगर मैं टीटीएम बेसिस पे देखूं जी अर्निंग पर शेयर में गिरावट आई है, बट एक्चुअल में क्या है कि डीमर्जर भी हुआ है ना तो वो भी एक इशू बन रहा है, तो एक्चुअल हमें दिखेगा नहीं। लेकिन 2021 में 15 का पीई था, 22 में वो बढ़ के 36 का हो गया, स्टिल अभी 2016 का है, और ये 30 के पी पे भी ट्रेड करता है तो भी 160 और आपका 380 रुपए का कहीं ना कहीं 160 320 48 480 रुपए का, तो 30 के पी पे नॉर्मल स्टॉक का प्राइस होना चाहिए। और अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक आपके लिए, आज की क्लोजिंग है 496 की, तो इस स्टॉक के 50 पे मल्टीपल जो हायर है वो लगेगा तो ये स्टॉक आपका 750 रुपए का हो जाएगा। तो अब आप सिंपल सा लॉजिक है, बुल मार्केट में फिर वो हायर पी दिखाएगा, अभी बियर मार्केट में बियर तो नहीं कहूंगा कंसोलिडेशन कहूंगा नेगेटिव जा रहा है, इस स्टॉक को पर बेचना नहीं चाहिए। कैंपस एक्टिव वेयर, आज एक बड़े ग्रुप ने पूरा का पूरा माल बेच दिया, टीपीजी ग्रुप ने, जहां पे 7.62% का स्टेक ओन करते हैं, सारा का सारा माल ऑफलोड कर दिया 445 के भाव पे और उसकी वजह से स्टॉक गिरा है। इजी ट्रिप प्लानर देखिए एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाली कंपनी है जो कि आज करेक्ट होते हुए दिखी है और पहले भी अच्छे खासे करेक्ट हो गई है ऊपर से, इसके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं अब थोड़े रीजनेबल हो जाएंगे, आपको डाउन मार्केट में और गिरता हुआ दिखेगा स्टॉक, बट जब मार्केट में रैली आएगी तो डेफिनेटली इस स्टॉक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मुझसे पूछो कि कितना गिर सकता है तो देखिए बहुत गिर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप एक चीज इसका इज माई ट्रिप नाम है, आई थिंक कोड जो है इसका इज माई ट्रिप से है, मैं जी हाँ एज माई ट्रिप कोड है, इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड नाम है। अभी भी देखें तो 61 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है और 0.66 का अर्निंग पर शेयर है, तो बहुत कमजोर अर्निंग पर शेयर है, मल्टीपल ज्यादा मिलते हैं इस स्टॉक को, तो ये करेक्ट होने के लिए बहुत करेक्ट हो सकता है, बट जब मार्केट में तेजी बनेगी तो ये फिर से अपने हायर वैल्यूएशन दिखाएगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ से आपके लिए एक जानकारी भरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।